अमृतसर विच क्राइम ग्राफ दिन प्रतिदिन वाधा जा रहा है ते अपराधियों के हौसले भी इन्ने बुलंद हो चुके ने कि वो थोड़ी जी गल ते भी किसी नू मरन मारन ते उतर आंदे ने। इस दी ताज़ा उदाहरण मिली है अमृतसर दे इलाका जहाजगढ़ विच जिथे कुछ युवकों ने महज 1500 रुपए दे लई एक रिक्शे वाले की लत तोड़ दी ते उस तो 1500 रुपए खो के भज गए। पत्रकारां नाल गलबात करदे हुए बलराम ने दस्सिया कि वह एक कंपनी दे विच रिक्शा चलाउंदा है ते मर्जी मुहल्ले दे एक युवक डिब्बा ते उसदे कुछ साथियों ने उस तो पैसे खोहण दी फिराक दे विच कृपान नाल उहदी लत तोड़ दी फिर उस तो पैसे खो के भज गए। बलराम तां ते कित्थे रहिंदे हो? जहाजगढ़ सर। ते की गल हुई है? सट्टा लगियां नहीं सर, मैं काम पर से आया था, तीन मुंडे आए मोटरसाइकिल से खोने का कोशिश किया, पैसे पूछे, उसे रोकने चाहा तो उसने कृपान खींच के मुझे मार दिया। कितने आदमी थे? तीन बंदे थे। और नाम मालूम है उनके? जानते हो आप कौन है वो? सर औरों को तो नहीं जानता, एक बंदे का नाम पता, सब जानता हूँ वो मर्जी मोहल्ले का मुंडा है, उसका नाम डब्बा है। कितने पैसे खोए आपको? सर पैसे तो बस जो तो होना 1500 ही थे कंपनी के पैसे। अच्छा। काम तो चलता है नहीं। क्या काम क्या करते हो? सर जे एस के टाउन स्पोर्ट में काम करते हैं, रक्षा चलाते हैं। अच्छा। और तुम्हारे कहाँ पे उन्होंने क्या लग मारा है? मारा सर कृपान लेकर के पैर पे मारा। अच्छा। और क्या टूटी है, टांग टूट गई है? सर पैर तो सीधा नहीं हो रहा है मेरा, अब ये नहीं पता कि टूटा है कि फूटा है, अभी डॉक्टर के पास जाने के लिए बाकी है, लेकिन पैर कोई अभी आप बी डिवीजन थाने में आए हो और पुलिस कंप्लेंट कर दी है? हाँ जी सर। क्या कहा पुलिस वाले ने? डांट दे दी आपको? पुलिस वाले ने बोला कि जाओ जाके जो है किसी भी अस्पताल में इसका फोटो कराओ। अच्छा। हाँ जी। और क्या मांग क्या करते हो आप? मांग क्या सर, मैं तो बेरोजगार हो गया एकदम, पैर से भी तो ऐसे भी से, तो अब मेरे बाल बच्चे कितना पलना, तो मैं दवाई कहाँ से करना? उनके कार्रवाई चाहते हो साथ में? कार्रवाई होनी चाहिए पुलिस की तरफ से? एकदम होनी चाहिए सर, पुलिस कार्रवाई के लिए ही हम यहाँ तक आए हैं। झगड़ा सर डॉक्टर के पास जा रहे थे तो किसी बंदे ने बोला कि आपका घर वाले को ना टांग मार दिया कृपान, तो बहुत पंगा रख बहुत मारा घर वाले, में दवाई भी नहीं दी, वहाँ से मैं दौड़ कर आ गई इसके पास, और देखा सारे जने ने मार रहा था, तीन चार जने थे मार रहा था, तो फिर सब जने मिलके उसको पकड़ा तो छोड़ छाड़ के ना भाग गया, फिर कितना बंदे ना उधर से ना कृपान ले लेके आ गया मारने के लिए, मैं इस देखे तो मैं तो गिर पड़े, क्या हुआ नहीं उसके बाद कुछ आवाज नहीं रहा, पैर में मारा था। और अभी आप क्या नाम मालूम है? नाम क्या है? मैं नहीं नाम जानता हूँ। डब्बा डब्बा नर्स है ना, तो मैं उसको जानती है सर, न पहचानती है, मैं कभी ऐसा जिंदगी में देखे नहीं है, हर साथ तो मैं किसी को जानती ना, किसी से मैं लड़ाई करते थे ना, मेरा घर वाला किसी से झगड़ा करते थे। अभी पुलिस कंप्लेंट की है? कंप्लेंट की है वहाँ पे सर। हम लोग यही चाहते हैं कि जितना दिन वो बैठे गए मरीज उनके इलाज चाहिए, तो सभी बाल बच्चों की खाना चाहिए। हाँ धमकी भी उसने दिया है कि चमरांग रोड में आग लगी थी ना, उस तरह तुम लोगों को भी पेट्रोल की पता नहीं क्या तेजाब बोला छीट कर तुम लोगों को जला दूंगी मार दूंगी, ऐसे ही धमकी देकर गया। कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे तुम लोग। जब इस संबंध विच पुलिस के नाल गल की गई तो ड्यूटी अधिकारी संजीव कुमार ने कहा कि इन्हां दी शिकायत दर्ज कर ली गई है, ते रिपोर्ट आने तो बाद ही कार्रवाई की जाएगी। जिथे काम करता उसे डॉक्टर नहीं मारा दिता, जो रिपोर्ट आऊगी मुताबिक कार्रवाई होनी। अमृतसर तो हरदेव प्रिंस की रिपोर्ट, TVNRI।